साहब तेरे गल भी जिद्दी या पसवा जा भाई अपना कंपटीशन कांग्रेस तेरे गल भी जिद्दी खट्टर गल भी जिद्दी चुना चुराना रहा है। अच्छा जी जमा मुद्दा मु आर्डर करता है और बोला। अच्छा जी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल पर, मैं मेनका देसवाल। भाई पीछे भी आप लगातार वीडियो देख रहे हो, लोकसभा जो है चुनाव के सर्वे की, सोनीपत क्षेत्र का ये जो है आखिरी एरिया है जुलाना, यहाँ से जो है जानेंगे किसका बोल है। पहले भी आपने जो वीडियो देखी है, मोहनलाल बड़ोली और सतपाल ब्रह्मचारी दोनों में कांटे की टक्कर है ऐसा लोगों का मानना है। फिलहाल यहाँ भी चाचे ताऊ दादे सारे बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग जो हरियाणा के, उनसे जाना है भाई क्या माहौल जो है अब बन रहा है, क्योंकि जिस प्रकार जो है दिन बीतते जान लग रहे हैं, माहौल जो है बदलन लग रहा है, समीकरण जो है बदलन लग रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या माहौल आगाज जो है जुलाना में रैली भी थी खट्टर साहब की? मैं हो गांव से। अच्छा जी। सुबह से मैं लेगा काका। अच्छा जी। और मैं दोनों बस लग रहा हूँ चार दिन तक। अच्छा जी। सतपाल ब्रह्मचारी बन गया थोड़ी बच्चे बन गया। हाँ पल्ले को आपका दूंगा फिर पाछा पलटी में अर्जन हो। नहीं नहीं। अच्छा जी। कांग्रेस की चार सीट तो सिरसा था, सिरसा और इस हाल से जेपी। अच्छा जी। और सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी। अच्छा जी। और रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा, ये चार सीटों में क्लियर करता हूँ। ये एक जैसे मोदी था ना, मोदी एक तूफान आया था और तूफान आके चला गया है। चला गया। और तूफान बार बार नहीं होता, एक ही बार होता है। अच्छा हाँ तूफान है। अब कांग्रेस की लहर उठ चुकी है, एक तूफान आ गया। तूफान के साथ साथ खट्टर का हेलीकॉप्टर भी आया था। हेलीकॉप्टर भी आया था ना, और हेलीकॉप्टर भी है ना यहाँ से है ना, नाराज होके चला गया। वो भी मायूस था, हेलीकॉप्टर भी हो गया जी। सीएम तो मायूस होना था, वो भी मायूस था। अच्छा ऐसा क्यों हो गया जी? पब्लिक क्या नहीं चाहती उस उनको क्या था जी? पब्लिक जब, नहीं आज जब एक राजा है, पहले राजे महाराजे आया कर दे, तो राजे महाराजे आया कर दे, वो जनता में घूम के देखा कर दे, बको दुखी तो नहीं है। ये तो इतना नया राजा है, जब एक राजा और मंत्री पब्लिक में नहीं बढ़ सके। अच्छा जी। पीछे किसान आंदोलन था या जो भी था, ये गांव में नहीं बढ़ सके, पब्लिक में नहीं बढ़ सके, उस राजा घराने का अधिकार है नहीं। अच्छा जी। लानत है उस राज की रैली में आप नहीं मानते कामयाब थी बीजेपी? क्या कामयाब थे, किराए पार थे, क्या बड़े क्या बात करते हो, सारी कुर्सियां भरी पड़ी थी, कुर्सी सारी खाली पड़ी थी। मेरी सुनो आप ध्यान से है ना, कभी कभी पीपल के नीचे खड़े होना, कांग्रेस कांग्रेस पीपल के पत्तों में से आवाज आती है। अच्छा जी। कांग्रेस ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही जी। क्या माहौल है जी बड़ोली का? इधर आज रैली भी थी जी। बड़ोली का क्या माहौल? बड़ोली को गाँव में नहीं घुसने देते। अच्छा जी। अरे रैली थी, अरे गाँव में विरोध हो रहा, कहीं भी जाके देख लो आप, सिर्फ चारों तरफ से कांग्रेस की आवाज आ रही है। अच्छा जी। और असल तो छह सीट नहीं, पांच सीट तो पक्की है कांग्रेस की। अच्छा जी। ये तो कह रहे हैं कि मतलब 5 लाख वोट का लीड है। हाँ जी, 5 लाख वोट का लीड करे बड़ोली, 40,000 से तो जुलाना से लीड करके देंगे सतपाल महाराज को। अच्छा जी। इसका क्या खास बात है जो खास बात? सब कुछ उब लिया ही नहीं। अच्छा जी। बीजेपी को कोई भी देख के राजी नहीं है। ये तो आपका जुलाना था जो है एसएसपी जो सामाजिक सरोपकार संस्था थी उनकी अच्छी पैर थी, वो भी अब तो जो बीजेपी के लिए मिल गए, अब तो वह कंफर्म है यहाँ से। तो ये अब तो ये है, ये कम्पिटिशन है, जीत तो हो चुकी है। अच्छा जी। कांग्रेस की एक लहर आ चुकी है, लेकिन कम्पिटिशन ये है, हम फर्स्ट आए, ब्रह्मचारी फर्स्ट आए, दीपेंद्र फर्स्ट आए, जो भी आपस में ये है ना, खुद पार्टी के कैंडिडेट हो, कंपटीशन हो चुका है। अच्छा जी। हाँ मैं फर्स्ट आऊँ, मैं फर्स्ट आऊँ। रावदान सिंह का क्या माहौल है महेंद्रगढ़? रावदान सिंह भी आराम से सीट जीतेगा, आराम से लगा टक्कर नहीं देगा, कोई टक्कर नहीं। और तूफान है ना, तूफान चला गया है। अच्छा, ये मोदी जो नु का टाइम है, कई लोग बोला कांग्रेस मापे फूट है, कोई फूट नहीं। अच्छा जी। कोई नहीं, अपना सब अपने अपने सब चौधरी है, अपना अपना एरिया के एरिया काम तो सारे कांग्रेस के लिए कर रहे हैं जी, को खिलाफत तो नहीं कर रहा, बता दो को खिलाफत हो, काम एरिया के लेकर है, पार्टी एक है, ये कुर्बा बड़ा है, ये मतलब लोकतंत्र है, कांग्रेस लोकतंत्र है, और लेकिन भाजपा तानाशाह है। अच्छा, इससे बड़ा तानाशाह दुनिया में आज तक नहीं देखा। कई बार नु कहते हैं मतलब बीजेपी वाले बोले कांग्रेस पार्टी में तो रिमोट तो 10 है और टीवी एक है बोले। हाँ टीवी ठीक है, और वो रिमोट एक के ले रहे, अरे टीवी भी एक के है। अच्छा जी। इतना राइट तो है कांग्रेस में, इतना राइट तो है। अच्छा जी। और टीवी भी एक के, रिमोट भी एक के। मैं
मैं ताना शाह आज तक जिंदगी में नहीं देखा। अच्छा जी, ये तो का किसान ना खातर बहुत बढ़िया योजना। इसे किसान इसे मरवा दिए, जवान इसे मरवा दिए। अच्छा जी, तरफ से आज तक देख लो आप। सरपंच पिटवा दिए, सरपंच चंडीगढ़ जागे। ये तो सरपंच का खूब समर्थन मिल रहे हैं ना, कहीं भी नहीं मिल रहा। एक जगह बता दो। एक बार सुना दे, सरकार ने ये है ना सारा कमेरा वर्ग है, किसान मजदूर है, गरीबों का एक भी प्लाट 10 साल में काटे हो बता दो। ये तो करे इतने परिवारों तक दे दिखा दो, एक का भी नाम बता दो। फलानी जगह आपने प्लाट दिया, प्रधानमंत्री आवास योजना का, एक भी बता दो। वहाँ कटे सारे कांग्रेस कटे में कटे थे। अच्छा जी, कांग्रेस वाला मोर ले रहे आप, यूँ कहना चाहोगे? हाँ, कांग्रेस का लोग अपने आप। हाँ जी, केला का आपने, किसकी सरकार आएगी अब? कांग्रेस की सरकार है जी। अच्छा जी, 36 बरादरी एक हो रही है। इंडिया गठबंधन ना ले आना चाहो फिर आपको भी? कांग्रेस आएगी जी। हाँ जी, कांग्रेस की कम से कम जी 8-9 सीट्स हैं। अच्छा जी। हाँ जी, आपने लाकर राहुल गांधी इतने सक्षम की टक्कर दे पाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल आराम से। हाँ जी, ताऊ, हाँ जी, क्या कह रहे हैं ये? ये बहुत बिल्कुल बढ़िया बात कह रहे हैं आपने लाकर, जी सब पल ब्रह्मचारी जो है, बिल्कुल 100%। इसमें खास बात यह है जी, जो मोदी सरकार चुंगले सरकार है जो, वो जनता उच्च से अच्छा जी रितनी तंग आ चुकी है। आज गरीब मानस 5 किलो अनाज में बढ़ो रखे है। अच्छा, एक गरीब गरीब नहीं, इसमें कमेरा वर्ग भी आ गया। मैं जुलाना से हूँ। अच्छा जी। हाँ, तो आज तो रैली थी बड़ोली साहब की, और पूर्व मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं। रैली करी जाओ, रैली का कोई सारा कोई फर्क नहीं लगता ना, कोई फर्क नहीं लगता। अच्छा जी, क्योंकि जब क्योंकि सरकार तो जनता ने चुननी है ना, कोई मंत्री या जनता से सपोर्ट करेगी, सारी वोट देगी, तो उसी का असर पड़ेगा। कह रहे हैं ये? अच्छा जी, चलो और राय लेंगे एक दो। क्या लगा सर, सोनीपत के जुलाना क्षेत्र से कौन ज्यादा लीड में चल रहा है, सतपाल ब्रह्मचारी वर्सेस जो है मोहनलाल ब्रोदी? लीड को ना जी। अच्छा जी, पहले आपके चैनल लाला देखनिया ना, सब ना राम राम, और आपको भी राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लीड लैड का कोई रोड़ा को ना, एक तरफा ले पंडित सतपाल जी महाराज के पक्ष में चल रही है। कंपटीशन बिठा दिया। दूसरी बात सुनो। हाँ जी, आज आपने बीजेपी की रैली देखी होगी। हाँ जी, हाँ जी। उसका जकरा के था, यहाँ पे एक फिल्म चलाई जा रही थी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा आएंगे। भजन लाल जी शर्मा नहीं पहुंचे, खट्टर साहब तो पहुंचे हैं, पूर्व के मुख्यमंत्री खट्टर साहब तो पहुंचे। तो भजन लाल शर्मा जी आ तो सीधा इशारा आगे बाबन जता दो। अच्छा जी। हाँ जी, सीधा सीधा संकेत है, एक बाबन जता दो, कुछ नहीं धरिया बड़ोली बाडोली में। अच्छा, बाबा बड़ी आदमी है, बाबन जता दो। एक तो कह रहे हैं कि 5 लाख तक जीतेंगे सोनी। 5 लाख तक बाबा जीतेगा, भजन लाल का भी सारा विषय गान है। अच्छा जी, जल्दी आप बुझ जाओ जाके, भजन लाल बाबू जाओ। अच्छा जी, ताओ आपने खेला क्या? कितने आई बता दी स्टेन आगे। अच्छा जी, हां जी, हां हूं सुपेदो लखे से। हां जी, है गांगुली गांव हमारा। नहीं, हेलो, हल्का जगरा भी को आया सोनपत सीट पर है, नूरते जीत के हार दा कांग्रेस का। और तीन हल्के हार दे कांग्रेस ने, सपीदो जुलाना अर्जी दे इपका सतपाल ब्रह्मचारी ने, ये हल्के जिताऊंगे। अच्छा जी, 1970 के बाद में पहली बार। यो भाई सपीदो दा राम जुलाने तो तार दा डबल जतावा है भाई। अच्छा जी, ब्रह्मचारी जी आप तार दा डबल कंपटीशन में पाल ब्रह्मचारी का गोली का अंदर सपीदो लगता दा जुलाना डबल। अच्छा जी, डबल भाई, तेरे गेल भी जिद्दी खट्टर गेल भी जिद्दी जुला जुलाना रहा है। अच्छा जी, जमा मुद्दा मु आड़ करता है और बोले। अच्छा जी, बस लाल शर्मा खुद रुक के मारेगा ये देखे तो, मैं सब तोरा फोन कर, सब द्वारा फोन कर दिया भजन लाल शर्मा। आज भी ये कांग्रेस में कंपटीशन लग रहा है, ये तो लग रहा है जी। अच्छा जी, सारा दे आर 36 की 36 मोहम्मद कहो आप, सुनो जी, सुनो एक मिनट, 36 की 36 बरादरी ब्रह्मचारी जी पक्ष में वो आदमी है जिन हरिद्वार में यहाँ से पूरा जीन जला सोनीपत या हरियाणा से ही हरियाणा से भी कोई गया ना, अगर जो हरिद्वार में जाके किसी ने नौकरी मारी, एक मिनट जी, हरिद्वार में जाके किसी ने नौकरी ना, मैं हरियाणा से हूँ। ब्रह्मचारी जी ने एक सेठ महाजन की भी वह सेवा करी है और एक दलित आदमी की भी वह सेवा करी है। ठीक है, भाई आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना, इन बातों से कितने सहमत हो? और जिसका पाछा ब्रह्मचारी लग गया जी, ये तो गुंडे हैं। अच्छा जी, जिसका पाछा ब्रह्मचारी लग गया उसकी तो वो परमात्मा के लिए सीधा कनेक्शन हो जी। भाई देख ले इन बातों में कितनी सच्चाई, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर देना। मन्ने दे, जय हिंद जय हरियाणा।